दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 12th of May 2024 संडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। पिछले हफ्ते 6th to 10th May 2024 का जो एक्टिविटीज हुआ था वहां पे हमने क्या देखा, डॉलर इंडेक्स में एक नैरो रेंज के अंदर में मार्केट मूव किया इन बिटवीन 105.75 एंड 104.85 के बीच में। वे द कैंडल इज फॉर्म्ड, ये क्या कह रहा है? पहले तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेवल है 104.75 से 105.00। इसको अगर रेस्पेक्ट करते हैं तो सम सॉर्ट ऑफ नैरो रेंज कैंडल्स प्राइस मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड। 15th ऑफ मई को, दैट मींस द वेंसडे को आपका यूएस सीपीआई डेटा है, उसके बाद कुछ मोमेंटम या डायरेक्शन मिलने का एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। Price action wise, some sort of sideways consolidation is expected. GBP dollar पिछले हफ्ते में एक doji candle, एक spinning top candle बनाया हुआ है with an intra week high of 1.2594 and a low of 1.2445. So यहाँ पे एक spinning top candle बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? Means जब तक either side breakout नहीं करते, either on the higher side 1.2595 के ऊपर और lower side में 1.2445 के नीचे price sustain नहीं करते हैं तो इस range के अंदर में रहेगा। एक बार either side breakout करते हैं, in such a case on the upper side the first resistance अगर जाते हैं, in such a case 1.27 जा सकते हैं, and on the lower side अगर आते हैं तो 1.2350 तक आ सकते हैं। So हमें देखना है basically US CPI data के बाद डॉलर इंडेक्स में कैसे चाल आते हैं एंड GBP डॉलर क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं। अगर हम यूरो GBP INR का देखते हैं, यहाँ पे एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल ओपन एंड क्लोज एट सेम लेवल्स विथ एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 105.11 एंड अ लो ऑफ 103.98। सो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल के वहीं पे प्राइस कंसोलिडेट किया। दिस स्पिनिंग टॉप जो पिछले हफ्ते में बनाया तो इसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं एंड लो के नीचे एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हाई के तरफ जाते हैं देन इमीडिएट रेजिस्टेंस 105.8090 का हो सकता है एंड अबोव दैट इज 106.50 से 106.70 की तरफ हो सकता है। अगर इसका लो तोड़ते हैं, पिछले हफ्ते का लो अगर तोड़ते हैं, इन सच केस इट मे डायरेक्टली ट्राई टू टेस्ट द प्रीवियस वीक्स लो टुवर्ड्स 103.20 की तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं। सो हमें देखना है यूएस सीपीआई डेटा के बाद किस और डॉलर इंडेक्स जाते हैं एंड अदर करेंसी पेयर्स कैसे बिहेव करते हैं। अगर हम यूरो डॉलर वीकली देखेंगे, यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, वेरी नैरो प्राइस एक्शंस। ऊपर में हम देखेंगे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ हम देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। सो जब तक इस डोजी, अच्छा ये डोजी जो कैंडल है प्रीवियस वीक के कैंडल के अंदर का इनसाइड बार कैंडल बनाया है, यानी लास्ट वीक का जो कैंडल है प्रीवियस वीक के कैंडल के अंदर में इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है। व्हाट इट इंडिकेट्स, इनसाइड बार के हाई के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाने का टेंडेंसीज हो सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 101.0830 से 101.870 की तरफ जा सकते हैं। अगर यूएस सीपीआई डेटा के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं, पिछले हफ्ते का लो के नीचे थोड़ा टाइम के लिए सस्टेन कर जाते हैं, इन सच ए केस जो आपका 1.07 एक माइनर सपोर्ट हो सकता है, देन 1.064050 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज द सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट। यूरो आईएनआर यहाँ पे एक मॉडरेटली बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, बट यहाँ पे हमें जो देखने वाला चीज है एक है इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल। तो जब तक इस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, जब तक इस ट्राइंगल के आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते, पॉसिबली ऑन द हायर साइड, तब तक ये
रेंज के अंदर में कंसोलिडेट करेगा। एक बार अगर प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं इन सच ए केस इट मे टेस्ट 90.60 से 90.80 की तरफ जा सकते हैं। डॉलर येन पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया आफ्टर प्रीवियस वीक का जो बीओजे इंटरवेंशन रिलेटेड वीक था जहां पे 160.20 से 151.85 तक रेंज में बिहेव किया था, फॉलोड बाय लास्ट वीक में एक कंसोलिडेशन एंड स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस देखा गया। अभी ये बुलिशनेस के बाद क्या है, अगेन देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इट विल ट्राई टू टेस्ट द रिसेंट स्विंग हाई टुवर्ड्स 158 से 160 के बीच में। इन केस प्रीवियस वीक का लो तोड़ते हैं तो लो अगर तोड़ते हैं एंड थोड़े समय के लिए सस्टेन कर जाते हैं तो एक अच्छा खासा सेलिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी प्रीवियस वीक का जो लो है 152.74, इसके लो का तोड़ने का मतलब क्या है, सर्टेन रिफॉर्म्स सम सर्टेन पॉलिसी डिसीजंस बाय बीओजे। अगर इस टाइप का कुछ मंडे ऑनवर्ड्स हम देखते हैं तभी जाके प्रीवियस वीक का लो को तोड़ेगा, अदरवाइज देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये 155 से 160 के बीच में ही थोड़ा सा कंसोलिडेट मींस 5 बिगी के अंदर में साइडवेज मूव कर सकते हैं। अभी जेपीवाई आईएनआर में आप देखोगे पिछले हफ्ते में मींस प्रायर टू द लास्ट वीक एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखा गया था मेनली ड्यू टू बीओजे इंटरवेंशन, जिसके कारण डॉलर येन 160 लेवल से 151.75 तक नीचे आ गया था एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया गया। अभी उसके बाद लास्ट वीक में एक इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है। व्हाट नेक्स्ट में अगर ये इनसाइड बार कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करते हैं, सब्सिक्वेंटली जो 29th अप्रैल वाला प्राइस है उसके हाई को भी सस्टेन कर जाते हैं इन सच केस येन आईएनआर में मूव टुवर्ड्स 56.50 की तरफ जा सकते हैं। सो देयर आर टू कंडीशंस, पहला वाला प्रीवियस वीक का यानी लास्ट वीक का हाई के ऊपर सस्टेन करना है एंड सेकंड कंडीशन क्या, उसके बाद उसका भी प्रीवियस वाला जो 29th अप्रैल वाला कैंडल है जहां पे हमने बीओजे का इंटरवेंशन देखा था उस हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं इन सच ए केस considering these two conditions, हमें येन आईएनआर पे एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं towards 56.50. Else, it is expected to trade in between 52.30 on the lower side and 54 and 54.50 on the higher side. इस रेंज में कंसोलिडेट करना है। So हमें देखना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। Next is डॉलर कैंडी पिछले हफ्ते में क्या कैंडल बनाया, एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। अभी ये डोजी मींस पॉज, लेकिन हम अगर प्राइस सेक्शंस को देखेंगे ये जो 1.36 का रेजिस्टेंस के ऊपर 5 हफ्ते से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे जो 29th अप्रैल वाला कैंडल का एक ऑल्दो इट्स अ स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल है लेकिन इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज फार एज द डॉलर कैंडल इज कंसर्न्ड। और इसके हाई के ऊपर अगेन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो है आपका 1.3850 से 1.3900 की तरफ। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर में यहाँ पे पिछले हफ्ते में एक स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल बनाया हुआ है, इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस लेवल है टुवर्ड्स 6650। सो ये बॉक्स के बाहर निकलना, अगर बॉक्स के बाहर निकलते हैं अबोव 6670 एंड उसके बाद 6670-80 को सपोर्ट लेते हैं देन इन सच ए केस एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ऑसी डॉलर, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। सीएनएच में हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते में एक स्मॉल बॉडी ग्रीन कैंडल का प्राइस एक्शंस देखा गया है एंड क्लोज्ड इट 7.2160। व्हाट नेक्स्ट में प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे और थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। अभी ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो वीकली चार्ट है यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, पिछले हफ्ते का एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। अभी इमीडिएटली एक सपोर्ट लेवल था 82.20, इसको अगर ब्रेक करते हैं इन सच केस हमें
ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो टारगेट हो सकता है वो है आपका 78.50 से 79.00 की तरफ। नेक्स्ट इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, जहां पे वीकली जो क्लोज है वो है 4.50। यहां पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, इस डोजी के नीचे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो इस डोजी के नीचे अगर सस्टेन करते हैं एंड ट्रेंड लाइन के नीचे भी सस्टेन करते हैं, इन सच केस थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो वेंसडे 15th ऑफ मई का यूएस सीपीआई डेटा के बाद ही कुछ एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यहां पे जो क्लोज दिया 4.87, सो यहां पे जब तक ये जो 4.76 और 4.77 का एक सपोर्ट लेवल इसके नीचे नहीं जाते, ऑल्सो देयर इज ए ट्रेंड लाइन इनक्लाइन ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये वाला रेड वाला लाइन जब तक इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते हैं, सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, रेदर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चैलेंज कर सकते हैं टुवर्ड्स 5.00। सो दैट बीइंग द केस जो भी होगा आपका 15th ऑफ नवंबर के बाद, अभी आते हैं लास्ट वाला जो हमारा करेंसी पेयर है वो है आपका डॉलर। डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 83.52। यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने वाला चीज जो है वो है ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 83.50 से 83.70। हालांकि नीचे की तरफ हमारा 83.20 83.25 इज द फर्स्ट और द माइनर सपोर्ट लेवल एंड द मेजर सपोर्ट लेवल इज टुवर्ड्स 82.80 से 83.00। अभी यहाँ पे सर्टेन फैक्टर्स जो हम रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हैं वो है पहला वाला इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस, जिसके कारण जब तक इनविजिबल हैंड्स एक्टिव होते हैं तब तक 83.50 83.70 का रेजिस्टेंस लेवल बरकरार रहेगा। एक बार अगर उन लोगों का डिसीशन मेकिंग में शिफ्ट होते हैं चेंजेस होते हैं इन सच ए केस, अगर वो रेजिस्टेंस में ऑफर करना छोड़ देते हैं तो एक ऊपर की तरफ अपवर्ड स्विफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस एक्शन उसी की तरफ बिहेव कर रहा है। यानी यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के नजदीक काफी प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज ट्राइंग टू गैदर मोमेंटम टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस लेवल। तो ये वाला पहला वाला इनविजिबल हैंड्स, सेकंड वाला इज सीएनएच, सीएनएच एज ऑफ नाउ इज अंडर कंट्रोल, एंड थर्ड वाला इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स यूएस सीपीआई डेटा के बाद के सॉफ्ट होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको भी हमें नजर रखना है। अदर देन दैट एनी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इवेंट अगर कुछ ट्रिगर होते हैं दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। सो एज फार एज द डॉलर रुपीज कंसर्न 83.50 83.70 is the resistance level, jab tak invisible hands are there we need to be little bit extra cautious, kya invisible hands is range ko protect karenge defend karenge ya kuch samay ke liye ek break denge, agar break dete hain to ye phat ke upar ki taraf maybe towards actual jo yahan pe jo range target hai wo hai 84.50 ka, main yahan pe darana nahi chahta hu, lekin ye jo invisible hands ka presence agar hai to nothing is means ये ऊपर की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर वो ब्रेक लेते हैं या थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं आपका पॉलिसी डिसीजन इन सच केस, यहाँ पे एक अपवर्ड थ्रस्ट देख सकते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट इज आपका जो बॉन्ड मार्केट रिलेटेड जो इनफ्लोज है दैट आर एक्सपेक्टेड टू हिट द मार्केट इन द मंथ ऑफ जून, जिसका वैल्यू है टुवर्ड्स 22-25 बिलियन डॉलर्स, उसमें जो हमें देखना है क्या है ऑलरेडी फ्रंट रनिंग हो चुका है या नहीं वो हमें पता नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, अगर फ्रंट रनिंग हो चुका है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं आएगा, अगर फ्रंट रनिंग नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक फ्रेश प्रेशर्स आएंगे, एंड इन केस नीचे की तरफ सपोर्ट में भी इनविजिबल हैंड्स का सपोर्ट हट जाते हैं, देन इन सच केस पहला जो टारगेट होगा 82.80 से 83.00, उसके नीचे भी अगर सस्टेन करते हैं तो काफी टाइम से जो एक पेंडिंग सपोर्ट लेवल है वो 80-40 से 80-60 के बीच में। तो हमें नेक्स्ट वीक एज वेल एज द कमिंग वीक्स में हमें देखना है व्हाट सॉर्ट ऑफ इनफ्लोज आर हिटिंग द मार्केट, इज द 20-25 बिलियन डॉलर का जो इनफ्लोज है इज इट हिटिंग द मार्केट और ऑलरेडी डिस्काउंटेड फॉर इन द मार्केट, हमें पता नहीं है, हमें जस्ट प्राइस को देखना पड़ेगा। सो करेंसी क्विकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। विशिंग यू ऑल A nice weekend. Bye-bye.